बोलो काम 25 है ये? काम 25 है काम 25 हाथ में आपको पता चली गया होगा कि ये ट्रैश फुटेज है। ट्रैश फुटेज बेसिकली होती क्या है कि उर्दू में बोलूँ तो कचरा पट्टी, एक कंटेंट क्रिएटर का वो पार्ट जो वो ऐसी रैंडमली शूट करता है और फिर उसको फेंक देता है। सर मैंने तो फेंक दिया था ये सही है, लेकिन फिर उसका क्वारंटीन आया तो मैंने कहा वेट 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 वेयर आर यू गोइंग। तो ये वो ट्रैश फुटेज है। और अगर इस ट्रैश फुटेज का कंटेंट बन सकता है जिसका एक फुटेज ली हुई रैंडमली नॉर्थ पोल पे तो दूसरी साउथ पोल पर, उसको जोड़ के अगर एक बंदा कंटेंट बना सकता है तो तुम किस चीज़ का वेट कर रहे हो भाई साहब? मैं आके बनाऊंगा क्या आपका कंटेंट? मैं तो अपने ही महीने में बना रहा हूँ, दूसरों के बनाऊंगा। लेकिन तो हम गए थे शादी में, शादी के सीज़न में जनवरी में, तो भाड़े के कपड़ों में तुम्हारा भाई शाहरुख खान नहीं तो शाहरुख खान से कम भी नहीं। और यार शादी और मेहंदी में सबसे एम्बेरसिंग मोमेंट होता है जब आपको आपकी दोस्त की बहन की शादी हो, लोग इतने जानते ना, और आपको दोस्त पुश करके सेंटर में खड़ा कर दें और सारी आंटियां जो हैं वो कैमरे ऑन कर दें कि अब तो ये दादा क्रेजी फोर के ऋतिक रोशन वाला नाचने वाला, और दोस्त भी से पुश कर रहे हो कि दिखा हम सो स्किल, दिखा दे स्किल। अब स्किल नहीं है भाई, हमें सिंध के हैं, हमें सिर्फ आता है जी ये सिंध जी ये सिंध। फिर शादी मेहंदी दो दिन अटेंड करने के बाद द वेरी नेक्स्ट डे आई वेंट टू लाहौर। लाहौर में मेरा 3 दिन का स्टे था, 2 दिन मिडनाइट का एक स्क्रिप्ट थी मेरे पास, दिस व्लॉग इज माय 2 AM चिल, मैंने वो शूट की। अब वो रात ही को शूट हो सकती थी बिकॉज एक रात की लौंडे की कहानी थी 12 से 5 के बीच, तो 2 दिन वो शूट किया। और उसके 2 दोपहर दिन मतलब मैं अपने दोस्तों से मिला, उन दोस्तों से जो लाहौर से मिल के जाऊँ वरना वो फिर बोलेंगे कि तुम बहुत बड़े हो गए तुम मिलते नहीं हो, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके बाद मेरे पास बचा 1 दिन, और 1 दिन में 2-2.5 दिन ना सोकर, शादी और मेहंदी अटेंड कर वहाँ पर ना सोकर 5 दिन से मैं सोया नहीं था। और प्रो टिप नंबर 1 फॉर अ कंटेंट क्रिएटर, के कंटेंट क्रिएटर की ज़िंदगी में एक सोना और एक खाना कि आप क्या खाओगे और कब सोओगे वो निकल जाता है अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो। अच्छे तो ये जो है मेरी हालत पूरे ब्लॉग में, इसको आप थोड़ा इग्नोर करिएगा या फिर जज करिएगा, मैं तो कहता हूँ भरपूर काहे करें इग्नोर। सब्जेक्ट सो रहा है, सब्जेक्ट सो रहा है, आनंद भाई सुन सब सकते हैं लेकिन सिर्फ पलकों से इशारा करेंगे। राघवन लेकिन प्रोजेक्ट नीलाम तो तब होगा ना जब राम आएंगे, वो अंदर है राम, वो आएंगे तो हम एम्पोरियम जाएंगे तो फिर से कब्र उठाएंगे तो शूट होगी तो ये व्लॉग आगे बढ़ेगा ना ब्रो। ऑल्सो इन अदर न्यूज़, अगर आप ये एडिडास का अपर मेरा देखेंगे तो ये पूरी सर्दी आप देखेंगे, नॉट बिकॉज ये एडिडास का अपर है, बदन पे नो ब्रांड्स, पर मुझे लग रहा है कि मुझ पर अच्छा लग रहा है, दैट सिंपल। एक तो ये आए लेट हैं, लाइटनिंग चली गई, पता बात क्या है, मुझे लड़की ने बोला कि मुझे पिक कर लो, एक्सक्यूज, लेकिन मैंने उसे बोला कि आप आओ मेरी तरफ, उसने कहा ये कहाँ का रूल है कि लड़का लड़की को पिक ना करे और लड़की खुद से आए। मैंने कहा ये आज से अभी से इस टाइम से शुरू होगा, कम्युनिटी में अपने आप में ये एक जाकिर खान भी है। नाश्ता करने आए गाइस, देख रहे हैं हम नाश्ते की जगह, महंगी जगह नहीं करते, अंडे खाएंगे उबले हुए, अंडे कोफ्ते हैं, चिकन पीस है, क्या खाएगा भाई? 7 अप पीऊंगा, मैदा खराब हो गया। 7 अप है जी है, वो रहने दो। बींग अ गुड फ्रेंड, आपका फ्रेंडशिप में एक ग्राउंड रूल होता है कि आप अपने दोस्त के घर रहेंगे और खाएंगे तो भींग कपड़े भी आप उसी के पहनेंगे। अब हसन के थोड़े से मुझे खुले आ रहे थे और दानियाल छोटा है तो उसके थोड़े छोटे आ रहे थे, तो अब मुझे कपड़े चाहिए थे शूट के लिए, शूट के लिए कपड़े तो हैं नहीं, अब आप मीजा होते तो क्या करते, या तो पुराने पहनते या नए खरीदते, लेकिन वो मैं उठाता हूँ कपड़े, भिखारी नहीं अपन और पैसा भी नहीं अपने पास, अपने पास है शक्ल, इसी के तो पैसे हैं। तो वो लड़कियाँ कहती हैं ना कि आई वॉन्ट इट आई गेट इट, लड़का कह रहा है मुझे
के अलाउ मी टू बी द बैडेस्ट फॉर वंस ब्रो. भाई सच बताऊं इतनी इज्जत कभी नहीं मिली. उन्होंने बोला सब ले लो. ये ऑफर सिर्फ हमजा के लिए है. यार को हम भी दोस्त हैं. हाँ हमारे लिए. प्रो टिप नंबर टू. मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि हमजा भाई आप लाहौर आते हैं शूट कराते हैं पिक्चर्स लेते कहाँ पे. मैंने एक साल से जगह छुपाई. आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ लाहौर के वासियों सुन लो या अगर आप लाहौर जाते हैं तो. के एक मिनट जगह का नाम तो पता ही नहीं है. हसन भाई से हमने तावन किया है लाहौर से. किसी को मत बताएं मजाक. तो नास टाउन के अंदर है वैलेंशिया टाउन के पास. और अभी मैं इसकी आपको वीडियो भी दिखाया था. द थिंग इज़ कि मुझे सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे ये लगती है कि यहाँ पे तो बहुत सारी वाइब्स हैं. यहाँ पे फ्रीजर की वाइब्स हैं, रेड ब्रिक्स की वाइब्स हैं, ग्रे फ्लोरिंग की वाइब्स हैं, एक रैंडम गाड़ी खड़ी हुई है उसकी वाइब्स हैं, शटर डाउन है उसकी वाइब्स हैं, एक पुराने ज़माने का सोफ़ा गंदा पड़ा हुआ है उसकी वाइब्स हैं. तो एक कॉरिडोर में सबसे वाइब्स सबकी वाइब्स बनी. और सबसे अच्छी बात कि एक तरह से खुला उस तरह से बंद है. तो ना गाड़ी जा सकती है ना बंदा जा सकता है. तो आपके अगर बींग अ वुमेन और अ मैन अगर आपकी कमर्शियल शूट है और नॉर्मल शूट है तो आप वहाँ पीसफुली कर सकते हैं. बिकॉज मेन चीज़ जो आपको चाहिए होती है वो चाहिए होता है कि आपको कोई देख ना रहा हो, कोई फ्रेम ख़राब ना हो रहा हो, कोई गुजर ना रहा हो. और ये चीज़ आपको सारी यहाँ पर मिलेंगी. इवन दो माई इंस्टाग्राम पिक्चर्स ये और ये भी ये सब भी वहीं पर ली हुई हैं जो आप पूछते हैं कि लाहौर में कहाँ देखें. तो ये वो जगह का नाम है. मैं तो हमेशा जाके वहीं से खिंचवाता हूँ. आप भी जाके वहीं से खिंचवाइएगा. सीक्रेट दानियाल और हसन की और मेरी जहाँ पे हम लोग सारी शूट करते हैं. हम लाहौर आते हैं वैलेंसिया जगह का नाम है. गाड़ी की वाइब्स भी मिलेंगी वहाँ, दरख्तों की वाइब्स भी मिलेंगी यहाँ आपको, टूटे हुए दरख्तों की वाइब्स, फ्रीज़र की वाइब्स और सीमेंट की वाइब्स. बाकी आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके पिक्चर देख लीजिएगा हमजा इब्राहिम भी ट्रिपल है. आपको पता चल जाएगा कि जगह की वाइब क्या. एक गली सारा स्वैग भी है. बोलो काम 25 है. काम 25 है. काम 25. ऑल्सो अनदर न्यूज़, शूट हमारी ख़त्म हो गई है. हम लोग जा रहे हैं घर. इसके बाद कल सम वॉट सुपर को वोकल्स देने के लिए जाना है. रैप आ रहा है तेरे भाई का. हल्का नहीं आऊँगा मैं. फ्यूरर हो कहीं भी हो हल्का नहीं आऊँगा. भाई सीन ये है, हम लोगों को जाना है ऊपर रैप के वोकल्स देने के लिए थर्ड फ्लोर पे. थर्ड फ्लोर पे जाना बिल्कुल मुश्किल नहीं, चढ़ के जाना है जैसे भी जाना है, उतरना मुश्किल. बारिश, ओले और सर्दी लाहौर की. मैं मजाक नहीं कर रहा, काश आप मेरी जगह होते. लेकिन क्योंकि हम रैप के वोकल्स देने जा रहे हैं. एडिडास नहीं, गली बॉय वाइट. खड़ा हूँ कैसे मैं यहाँ. ये भी हैं ब्लॉग में गेस्ट अपीयरेंस, दुनिया जानती है इनको. इट्स 11 AM और हम लोग अभी सम वॉट सुपर के ऑफिस में स्टूडियो में हम लोग यहाँ पर आए वोकल्स देने ताला भाई को. ताला भाई थोड़े लेट हो गए तो वी हियर वेटिंग फॉर चाय. फिर खड़ा हूँ कैसे. सो रेडी व्हेन यू आर. ओके यार रैप का ये सीन है कि रैप हो गए लेकिन जो वीडियो बना रहे हम रैप की इज अ स्टोरी ऑफ माई लाइफ. तो उसके लिए एक लॉस्ट चल जा फील की एक रीशूट होगी जो मेरे साथ असली में हुआ था और उसी के ऊपर ये रैप बना हुआ. तो वो इंशाल्लाह मार्केट में आएगा विद फुल लोकल वाइज धारावी 17 बम्बई 70 टाइप्स. लेकिन उसके लिए क्वारंटीन में थोड़ा शूट करना मुश्किल हो रहा है तो हम लोगों ने थोड़ा वेट किया है कि थोड़ा केसेस कम हो, कराची में बहुत ज़्यादा हो गए. आप भी स्टे सेफ और फिर हम करेंगे. इरफान शूट करेगा और मेरी ज़िंदगी की असली वाइब्स हैं और असली कहानी है जो मेरे ही रैप में होगी. तो फुल लोकल आने वाला है बहुत भारी सामान. स्टे ट्यून, स्टे सेफ. काम 25 ड्राई फुटेज. अल्लाह का शुक्र है थी वो. मैं तो हम भी बैठ के बोल रहे थे हाय गाइस माय यूट्यूब चैनल. हम आज बैठ के बात करें. शुक्र बच गए. मुझे यहाँ पे छोटी सी स्टोरी सुनानी थी जो मैंने बिल्कुल वन साइड रखी कि जिनको व्लॉग में इंटरेस्ट है वो यहाँ तक देख के ख़त्म करें. आप जो मेरे अपने लड़के हैं, मेरे अपने लोग हैं, आगे का ये स्टोरी वही सुनेंगे. तो मैं आपसे सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आज कि मैं एक
पूरी पाकिस्तान कम्युनिटी का लेजी कंटेंट क्रिएटर। मैंने आज तक किसी को नहीं बोला और ना ही अपने चैनल पे कहीं लिखा एंड में शुरू में कि सब्सक्राइब मी इस थ्योरी पे कि जिसको मुझे पसंद करना है वो मुझे पाताल से भी ढूंढ लेगा और जिसको मुझे नहीं देखना उसको मैं रोज़ सामने रिकमेंडेशन में आऊँगा, लेकिन वो कभी ज़िंदगी में क्लिक नहीं करेगा। मैंने कभी किसी को फोर्स नहीं किया, मेरे काफ़ी दोस्त थे सोशल मीडिया, मैंने कभी इरफान को नहीं बोला कि यार मुझे स्वाइप अप दे, हालांकि उसने बोला यार ये ब्लॉग अच्छा है मैं दूँ, मैंने कहा नहीं मुझे वो ऑडियंस नहीं चाहिए, मेरे पास 400,000 हों और वो अपने ना हों मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास 4 हों मैं ज़िंदगी भर उनसे उतनी मेहनत का कॉन्टेंट बनाऊँगा जितना मैं बनाता आ रहा हूँ और सारी स्टोरी टेलिंग है और ख्वारी वाले कॉन्टेंट हैं, ऐसा नहीं कि सब्सक्राइबर्स के लिए और फ्रिक्वेंट आने के लिए मैं रोज़ बैठ के अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू यूट्यूब चैनल चलो बढ़े सब्सक्राइबर मज़ा आएगा, मुझे नहीं चाहिए, वरना अगर चाहिए होते तो पीछे एक दीवार होती उसमें मेरा सिल्वर बटन पर पड़ा होता लगा होता, लेकिन अभी तक मैंने उसका भी सिल्वर बटन का नहीं बताया कहाँ पड़ा हुआ है, मुझे कुछ नहीं पता। और उसका रीज़न ये नहीं है कि ओह मैं सो हम्बल यार, उसका रीज़न ये है कि भाई तुम्हारी वैल्यू है, तुम्हारे होने की वैल्यू है। मैं यूट्यूब को ऐसा एप्लीकेशन लेता हूँ कि एक एप्लीकेशन है जहाँ पर बस एक लोग हैं जो मुझे देख सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ सब्सक्राइबर वगैरह की बात नहीं है, यूट्यूब की सेलिब्रिटी नहीं, घर वाला माहौल थोड़ा सा अलग, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे रोड पर कोई मिलता है और वो कहता है कि हमजा भाई आप मेरी इंस्पायरेशन, आपसे मैं सीखता हूँ, मुझे कुछ सीखने को मिलता है, आपने मेरी लाइफ चेंज की, कुछ सोचा मैंने, कुछ मुझे अलग लगा, मुझे लगा कि ये लड़का कर सकता है जब गिरने के बाद तो मैं क्यों नहीं, चाहे वो ब्रेकअप हो चाहे वो रियल लाइफ हो, तो आपकी वैल्यू है, आपसे मैं इंस्पायर होता हूँ, जो मेरे पास मेरी ज़िंदगी में कहने वाला कोई नहीं था आज उनके पास है और इस चीज़ की वैल्यू है। तो मैं सिर्फ ये छोटी स्टोरी इमोशनल होने के लिए नहीं सुना रहा, मैं सिर्फ इसलिए सुना रहा हूँ बिकॉज रिसेंटली आमिर भाई एक मीटअप कराते थे और वहाँ पर भी एक ऐसी बंदा आता था, नो सेल्फी पॉलिसी मीटअप था, तो वहाँ पर एक बंदा आता था और उसने मेरी मुझे हाथ मिलाया, मैरिड था, उसको भी ब्लॉगिंग का शौक था, उसने हाथ मिला के मुझे बोला कि हमजा भाई आप ना आप मेरी इंस्पायरेशन हो यार, और फिर अनलकीली ही वॉज अ पैसेंजर ऑफ दैट एयरक्राफ्ट जो रिसेंटली क्रैश हुआ था। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनकी फ़ोटो नहीं डाला बिकॉज किसी की फैमिली प्राइवेसी है, आपसे उनको दुआ में याद रखें, लेकिन मैंने जब लास्ट ब्लॉग डाला अपना फ्रेंड्स ऑन माई फैमिली लेवल तो मुझे 3 दिन में 1,00,000 व्यूज आ गए, लेकिन मुझे उस 1,00,000 व्यूज की परवाह ही नहीं हुई, मैंने कहा यार एक बंदे की मैं इंस्पायरेशन था वो मुझे नहीं देख रहा, वो मुझे नहीं देख सकता, और ऐसे आप लोग 1,000 होंगे जो 1,000 मुसीबत से गुजर रहे होंगे। तो मैं सिर्फ तुझे ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई इमोशनल बात नहीं है, एक बस थोड़ा सा ना अपनापन, अगर मैं कर सकता हूँ ना भाई तो दुनिया का हर बंदा कर सकता है, तू भी करेगा क्योंकि तू भी हीरो है, और कभी अगर बिखर जाओ ज़िंदगी में सैड हो जाओ तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारा कचरा पट्टी उठा के अगले दिन जो है ना वो कचरे वाले को दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पर कोई सेंटी वाइब्स नहीं है ब्रो, यहाँ पर सिर्फ ये है कि या तो वक्त के साथ बदल जाओ या वक्त को बदलो, लेकिन मजबूरी को कोस कर आगे चलने से रुको मत तुम, क्योंकि दुनिया गोल नहीं है भाई, ये दुनिया मतलब ही हो जो तुम सोच रहे हो ना वो भी है, यहाँ पे जलाने वाले राख हैं और मेरे चाहने वाले लाख हैं, तो बस तुम मुझे भूल जाओ हमें कोई गम नहीं, जिस दिन मैंने तुम्हें भुला दिया समझ लेना इस दुनिया में हम काम 25 है। और यहाँ पर आगे एक मेरा मीटअप हुआ था छोटा सा लाहौर का, वो आएगा तो वो भी मेरे दिल के बहुत करीब था, तेरी वैल्यू है, मेरी वैल्यू है, हमारी वैल्यू है साले, तो ये बात याद रखना कि यहाँ पर सिर्फ वाइब है, काम 25, आई लव यू टू, पीस। मैं आया था यहाँ पे लाहौर, मेरे लौंडे भी हैं दो।